वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप एक लौंग से कर सकते हैं अचूक वशीकरण। जी हाँ, एक लौंग से आप बना सकते हैं किसी को भी अपना अधीन। आप उससे अपने मन की हर बात पूरी करवा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए जो चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, जिन्हें चाय पीना और पिलाना बहुत पसंद है, उनके लिए है हमारा ये वीडियो, जिससे कि आप चाय के द्वारा ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको ये अपने खून के रिश्तों पर नहीं करना है। यानी अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपके साथ ब्लड रिलेशन है, आप इसका उपयोग ना करें, लेकिन आप इसे अच्छे मन से किसी पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और आपका जो उपाय है वो जरूर पूरा होगा, आपको तुरंत इसका फल मिलेगा। चाय एक ऐसी चीज है जिसका आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है। आप इसका वशीकरण करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप चाय पिलाकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक लौंग लेनी है। लौंग आपको इस तरह से साबुत लौंग लेनी है, देख लीजिएगा खंडित लौंग ना हो। इस तरह से आप एक लौंग का टुकड़ा ले लीजिए। अब आपको इस लौंग को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको पसीना आता है, तो आप इसे एक कागज में लपेट लीजिए और उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले आप इसे कागज में इस तरह से लपेट कर ऐसी जगह पर रखिए जहां पर आपको खूब पसीना आता हो, और उसके बाद आपको एक मंत्र का उपयोग करना है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, मंत्र बेहद आसान है। मंत्र आपको जो इस्तेमाल करना है ये मंत्र है इस तरह से, ओम वश वशी करणे विश्मी कली ओम वशी भूत स्वाहा। इस मंत्र का उपयोग करना है और उसके बाद आपको इसको पीस कर पाउडर बनाकर चाय में मिला देना है। चूर्ण बनाकर आपको चाय में मिलाकर उस व्यक्ति को पिलाना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में वो आपके वश में होगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए, और अगर आपकी कोई और समस्या है, आप अगर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, उस नंबर पर कॉल लगाकर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अचूक वशीकरण है, इसका उपयोग गलत भावना से ना करें। आपको बस याद रखना है, ये जो एक लौंग है ये आपको अभिमंत्रित कर देनी है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको ये रात्रि के समय करना होगा। और जैसे मान लीजिए आपने इसे आज रात को किया, तो उसके बाद आपको 24 घंटे के लिए लौंग को अपने शरीर से टच करते हुए रखना होगा, और उसके बाद आप इसका चूर्ण बनाकर अगले दिन उस व्यक्ति को ये पिला दें, जो व्यक्ति आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके वश में होगा और आपकी कही हुई हर बात मानेगा। चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को भी वश में करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद भक्तों। अगले वीडियो में फिर से आपको कोई और जानकारी देंगे, लेकिन आपको एक और जरूरी सूचना दे दें कि इस जो हमने आपको उपाय बताया, जो हमने आपको मंत्र बताया, इसका गलत उपयोग बिल्कुल ना करें। कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आपको ये ब्लड रिलेशन पे नहीं करना है, आपके रिश्तेदार पे नहीं करना है। आप इसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सही विचार, अच्छे विचार के साथ आप इसका उपयोग कीजिए, आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।